नीचे वाली रानी जग गई ना तो धरती को उठाकर सर पर रख लेगी। मेरे भाइयों, जब राजा उत्तानपाद अटा से नीचे उतर के आते हैं, इसी रात मैया सुनीति गर्भवती हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। बंधुओं, जैसे ही राजा उत्तानपाद नीचे उतर के आए, अरे भैया, मैया सुरचि ने कहा करो फाटक खोल कर बीच आंगन में अपने केसों को बिखेर कर बीच आंगन में बैठी। अरे भैया, दांती को पीस करके कहने लगी, महाराज कहाँ थे? मैं पूछ रही हूँ कहाँ थे? और झुंझला के अपने सैयाद कहा बोली, अब क्यों हो कांत मलिन छटा छब छीन के सुंदर ताई, चेहरा को ढलकी और नूर रुक फिर गई काई। तुम्हारे गालों पे झुर्रियां पड़ गई हैं, मैं जानती हूं कि रात तुम सौत के घर से आए हो। लोगों, जो रानी सुरचि ने राजा को धमकाया, हाय राजा मारे डर के मारे सग पकाई हो, लेकिन दांती को पीस कर राजा उत्तानपाद कहने लगे, ओ पगली, ये लो मेरी तलवार और काट दे उसके गले के लिए जिसे तूने भिखारिन बना दिया है। अगर उसके प्रति एक भी शब्द तूने बोला, तेरी जुबान को खींच के बाहर फेंक दूंगा। अरे भैया, बंदर वाली घुड़की राजा ने लगाई सो कुड़की में बदल गई। एकदम से मैया सुरचि कहने लगी, आय मेरी जीव, आय मेरी जीव जो इतनी विलक्षण है, मैंने अपने पति से जन काका उल्टे शब्द कह डाले। महाराज नीचे आ जाओ, स्नान करो, उसके बाद भोजन करो। बंधुओं, आज दूसरे दिन मैया सुरचि भी गर्भवती हो जाती है। अब तो दोनों ही रानियां गर्भवती हैं। इधर समय की वृद्धि होने लगी, 9 महीना 9 दिन के बाद बड़ी रानी सुनीति के गर्भ से सुबह के 4 बजे एक बेटा ने जन्म लिया। ऐसा ही नहीं भैया, और 9 महीना के बाद रे के सुन ले हो अब सरदारी, जेठी रानी के हुइया रे, हुइया 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 रे, उम्र एक अवतारी, महाराज भूप
चार बजे मैया सुनीति के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। चतुर ब्राह्मणों ने इस बच्चे का नाम रख दिया ध्रुव। बोलिए ध्रुव भगवान की। अच्छा, दूसरे दिन शाम के चार बजे छोटी रानी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। चतुर ब्राह्मणों ने इस बच्चे का नाम रख दिया उत्तम। अब देखिए लोगों, बेटा तो दोनों पैदा हुए लेकिन भाव अलग अलग है। जब छोटी रानी के बेटा पैदा हुआ, बड़ी बड़ी मिठाइयां, बड़ी बड़ी बधाइयां बज रही हैं, लेकिन जब मैया सुनीति के गर्भ से ध्रुव ने जन्म लिया, इस गरीबनी दुखिया के घर में कोई बधाई को बजाने वाला नहीं है। दुखिया ने जब ढोलक की आवाज सुनी, वो अटक के ऊपर है तो सोचने लगी मेरे बेटा ध्रुव की बधाई बज रही है। लेकिन जब दुखिया को ये पता चला कि मेरे बेटा की बधाई नहीं बज रही है, नीचे वाली रानी के भी बेटा पैदा हुआ है। लोगों, आज बेटा ध्रुव के लिए जब 24 घंटे के बाद भूख लगती है, उस मैया के पास सूखे हुए आंचलों में दूध कहां रखा है? 10 दिन पहले ही जब दुखिया ने सूखे जौ की रोटियों को बना करके रख लिया। बंधुओं, सूखे जौ की रोटियों को खाती है वो दुखिया, लेकिन दुखिया ध्रुव की बधाई को बजाने वाला भैया आंगन में कोई नहीं है। आज मैया ने अपने कलेजे से अपने छाती पे लगा लियो, बेटा लाल तू एक गरीब नहीं का लाल है, तेरी बधाई को डालने वाला कोई नहीं है। और छाती पे लगाए को भैया मैया गैया की तरह डकराने लगी, बेटा ध्रुव। लेकिन नीचे वाले रानी के जो बेटा हुआ, बड़ी बड़ी मिठाइयां, बड़ी बड़ी बधाइयां बज रही है। आंगन में बधाई बज रही, सुनो भैया मेरे, सुनो दादा मेरे, सुनो किरण मेरे, जत बज रही बधाई। जगदीश सिंह चाचा जी, वृक्ष एक होता है लेकिन एक वृक्ष तो वो होता कि हम कटवाकर चिता में लगाते हैं और उसी वृक्ष की डालियों को हम हवन की शमिना में लगाते हैं। लेकिन कवियों ने कल्पना की है भैया, एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली लाए हवन में, एक
से जल रही चिता है।